नवरात्र का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख विशेष पर्व है। नवरात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नव अर्थात नव और रात्रि अर्थात रातें यानी नवरातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे भारत में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाओं को नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं और आपकी या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए परंतु इन महिलाओं को माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आपको व्रत करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि आप उन महिलाओं में से तो नहीं है जिन्हें नवरात्रि का व्रत अर्थात माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत ना रखें क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खासतौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इसीलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग पूजा। एक वैश्य महिला को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और ऐसी महिलाओं को कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए ऐसी महिलाओं की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। अगर आपको दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की प्रॉब्लम, बीपी, दर्द आदि की बीमारी है तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप की भागीदारी भी बनते हैं। माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि माता ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूछते हैं। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठा ही बोलें। अधिक और ज़्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप की भागीदारी बनते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना ले तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें।